देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने विश्वास जताया कि इन 5 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। साथ ही पूर्व नागपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लिए पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों की और महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण के आंदोलन पर विधायक खोपड़े ने क्या कहा, सुनिए। ये 15-20 साल पहले का पूर्व नागपुर और आज के पूर्व नागपुर में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। 2014 में हमारे नेता नितिन जी गडकरी ये केंद्र में मंत्री बने और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री करके देवेंद्र फडणवीस साहब बने। उसके बाद लगातार उन 5 सालों के अंदर जो नागपुर शहर के 6 विधानसभा के अंदर पूरे नागपुर शहर के चारों ही दिशाओं के अंदर गए तो बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट भी आए, बड़े पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट के रास्ते भी बने, ओवर ब्रिज भी बने, नागपुर में मेट्रो भी बड़े पैमाने पर दौड़ी। लेकिन 2.5 साल का जो पीरियड इस समय जो गया और इन 2.5 साल के पीरियड में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों की सरकार थी और 2.5 साल के अंदर नागपुर शहर को टोटली साइड ट्रैक किया गया। एक भी रुपया नागपुर शहर को उन्होंने नहीं दिया और इसलिए 2.5 साल में टोटली विकास के कार्य बंद थे। और फिर से सरकार आने के बाद अभी साल भर से फिर से नागपुर शहर के विकास काम को बड़े पैमाने पर गति मिली है और नागपुर शहर का सभी क्षेत्र के अंदर आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर काम भी आपको दिख रहा है। अभी हाल ही में मैंने पूर्व नागपुर के अंदर वाठोड़ा के अंदर 187 करोड़ रुपए के 300 बेड का हॉस्पिटल अपन ने लाया, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अभी NIT उसकी टेंडर की प्रक्रिया करेगी और अभी नवरात्र के समय मैंने अपने पूर्व नागपुर, पूर्व दक्षिण और मध्य नागपुर को जोड़ने वाले 5 ब्रिज को अपन ने महाराष्ट्र शासन ने उसको मान्यता दिया। लगभग ये 792 करोड़ रुपये के ये 5 ब्रिज है जिससे ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पर हल होंगी और इन ब्रिजों की आवश्यकता भी थी और इसीलिए हमारे सभी जनप्रतिनिधि वहाँ के नागरिकों ने भी गडकरी साहब के तरफ बारंबार गए, फडणवीस साहब से भी बारंबार मिले, फिर उन्होंने महारेल कंपनी को इसका DPR बनाने के आदेश गडकरी साहब ने दिए, उसका प्रेजेंटेशन भी गडकरी साहब ने लिया, उसके बाद फडणवीस साहब ने उसका प्रेजेंटेशन लिया और महाराष्ट्र सरकार को वो प्रस्ताव सादर हुआ था और अभी नवरात्र के समय उस प्रस्ताव को राज्य के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जी ने उसको मान्यता दिया और 792 करोड़ रुपये उसके लिए मंजूर किए। अभी महारेल बहुतेक अभी उसके टेंडर ये 15-20 दिन के अंदर प्रक्रिया करके लगभग ये जनवरी के एंड क्या दिसंबर के एंड क्या जनवरी के फर्स्ट वीक में उसके काम की शुरुआत हो। विकास कार्य जितने बड़े पैमाने पर नागपुर शहर में आए, कोई अगर प्रोजेक्ट एखादा आता होगा तो उसके माध्यम से भी रोजगार निर्माण होता है। सीमेंट कॉन्क्रीट के रास्ते शहर में बन रहे उसके माध्यम से भी रोजगार निर्माण हुआ, नागपुर शहर में ओवर ब्रिज बने उसके माध्यम से भी रोजगार निर्माण हुआ, नागपुर शहर में मेट्रो आई उसके माध्यम से भी रोजगार निर्माण हुआ, हमारे यहाँ सिम्बोसिस का आया उसमें भी रोजगार की निर्मिति हुई। अभी 87 एकड़ जगह पर इंटरनेशनल लेवल के क्रीड़ा संकुल का काम वहाँ पर वाठोड़ा में शुरू है, उसके माध्यम से भी रोजगार वहाँ पर मिलेगा। हमने RTO पूर्व नागपुर के अंदर लाया, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। स्मार्ट सिटी अपन ने लाया, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। जो जो प्रोजेक्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे इलाके में कैसे आए, नागपुर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कैसे आए और पूर्व नागपुर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसा हो, उस दृष्टिकोण से हम प्रयत्न करते हैं और उसी के माध्यम से उसमें रोजगार का भी सवाल आता है, क्योंकि काम आएंगे जब ही रोजगार मिलेगा और उसके लिए हम सतत में प्रयास करते रहता हूँ और उसमें सफलता भी बड़े पैमाने पर मिली है। नहीं, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हैं उस समय से अगर आप देश का चित्र देख रहे होंगे तो सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ। कभी भारत की पहुंच इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रहती थी, वहाँ भारत के आदमी को अलग नज़रियों से देखा जाता था, आज भारत को मान सम्मान के साथ वहाँ पर देखा जाता है। वर्ल्ड के अंदर आज भारत प्रथम स्थान पर आया हुआ है और निश्चित रूप से ये जो 5-10 साल के अंदर ये जो बदलाव बड़े पैमाने पर आया और इसमें कैसा है, काम करने वाले लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ बदलाव निश्चित रूप से आएगा।
कांग्रेस के राज में तुमने ना बदलाव देखा ना कभी कुछ उनके राज में देखा है, सिर्फ उनके भ्रष्टाचार की यादी बड़े पैमाने पर है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश में भी प्रगति हुई है और बाहर देश में भी भारत की बड़े पैमाने पर मान सम्मान भारत को मिला है। और इसलिए देश की जनता भी देख रही है, राम मंदिर का इतना 500 साल का विषय उन्होंने निपटाया, आज राम मंदिर बनने के मार्ग पर है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होने वाला है, कश्मीर से भी 370 की कलम हटी है, आज लोग आज़ादी के साथ वहाँ घूम रहे, आज़ादी के साथ वहाँ प्रॉपर्टी ले रहे। और इसलिए जो जो मुख्य विषय थे उसके ऊपर मोदी जी ने ध्यान दिया, सर्वांगीण विकास के माध्यम से देश का भी विकास बड़े पैमाने पर हुआ और ये सब जनता देख रही है और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगे। मराठा आरक्षण को लेकर आज तक का तुमने अगर इतिहास निकाला होगा महाराष्ट्र का, तो आज तक का मराठा के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा बने, मराठा के खासदार आमदार मंत्री बड़े पैमाने पर बने, लेकिन मराठा समाज की किसी ने भी आज तक का समस्या हल नहीं किया। ये गैर मराठा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जब 2014 में बने और उसके बाद गैर मराठा मुख्यमंत्री ने ही मराठा समाज को न्याय देने का काम किया, उन्होंने स्पेशल अधिवेशन एक दिन का बुलाया और उसमें कायदा पास करवाया और कायदे को एक कांग्रेस के एक नेता ने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि ये कायदा बरोबर नहीं है, हाईकोर्ट में भी वो कायदा उन्होंने टिका के रखा, हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार ने जो कायदा बनाया उसको मान्यता दिया। अब सरकार बदलने के बाद उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, अब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया जो उस समय उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, शरद पवार जी थे, तुम्हारे अशोक चव्हाण उस समिति के चेयरमैन थे, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ध्यान दिया होता तो शायद आज ये परिस्थिति है वो परिस्थिति नहीं रहती, उसी कायदे को सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता। लेकिन इनकी तीनों की तिकड़म के वजह से इनको इनके मन में नहीं था कि मराठा को आरक्षण मिले और इसीलिए मराठा समाज के साथ जो अन्यायकारक भूमिका जो इतने जमानों से करते भी आ रहे उसके सही मायने में कल्पित अगर कोई होंगे तो ये शरद पवार जी इतने साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अशोक चव्हाण जैसे मुख्यमंत्री रहे, पृथ्वीराज चव्हाण जैसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मराठा समाज के, और अनेक मुख्यमंत्री बने, अनेक मंत्री बने, लेकिन अगर किसी ने मराठा समाज का फायदा किया होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको न्याय देने का काम किया। और सही मायने में देवेंद्र फडणवीस जी कुछ आज टारगेट किया जा रहा है, आज टारगेट उनको किया जा रहा है, उसके पीछे कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने जो समाज को जो न्याय दिया, जो मराठा समाज को न्याय दिया, आज तक का किसी ने न्याय नहीं दिया। और जो अपोजिशन के ऊपर बैठ रहे वो देवेंद्र फडणवीस जी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आज तक का उनके साथ विश्वासघात किया, अन्याय किया, मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया, उसमें शरद पवार साहब होंगे, अशोक चव्हाण होंगे, कांग्रेस होंगी, तुम्हारे अभी उद्धव ठाकरे की सेना होंगी, इन ये कल्पित लोग हैं, इन्होंने कभी मराठा समाज के बारे में इन्होंने बात भी नहीं की और मराठा समाज को न्याय देने का भी इन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। और जो मराठा समाज को आज भी बोल रहे हैं कि हम मराठा समाज को फिर से कायदे की चौकट में लाके उनको न्याय देंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि जरांगे जो पाटिल है उन्होंने इसका भी अभ्यास करना चाहिए कि अपने को गैर मराठा व्यक्ति ने अपने को आरक्षण दिया, गैर मराठा व्यक्ति ने अपने को आके यहाँ पर बड़े पैमाने पर सहूलत दिया, ना ये कांग्रेस वालों ने दिया, ना राष्ट्रवादी वालों ने दिया, ना उद्धव ठाकरे के लोगों ने इनको सहूलत दिया, किसी ने दिया है तो मराठा समाज का नेतृत्व और मराठा समाज को न्याय देने का काम किया होगा तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। और आज एकनाथराव शिंदे फडणवीस साहब कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो कायदा रद्द किया, इसलिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि इनको फिर से अपन न्याय कैसा दे, और इसलिए निश्चित रूप से उसमें प्रगति आएंगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन राजेश जंगितवार के साथ पारस बैसवारी की रिपोर्ट। गंगोत्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट, रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेंशियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध, उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट, फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या, प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार।
कलर एलईडी टीवी, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर. आमची वैशिष्ट्ये: भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक डीपी, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाएं. बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. 100% सुरक्षित गुंतवणूक. सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा. संपर्क करा. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काळे पाईल्स लेजर हॉस्पिटल. हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है. एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल काळे आयुर्वेदिक पाईल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण. और एड्रेस: काळे आयुर्वेदिक पाईल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर. और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824. रामदूत इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं खास आपके लिए शिव तीर्थ नगरी 4, जो है वर्धा रोड, जामता स्टेडियम, सहारा सिटी के पीछे. NMRDA विद RL प्लॉट्स, RM amenities, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज एंड सीवेज, एंट्रेंस गेट, इलेक्ट्रिसिटी, SDVC रोड, ओपन स्पेस. Bank loan also available. 90% bank loan from any nationalized bank. For more details, call Mr. Ram Gupta 9689773228. Our office address: Plot number 12, 2nd floor, Amar Jyoti Nagar, Belterodi Road, near Mandra Shore, Nagpur.